हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृष राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृषभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, किसी भी धर्म या फिर जाति से आप बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन या फिर हेडेक नहीं लेना है और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स, द स्टार, एक मेजर अरकाना, द एम्परर ऑल्सो एक मेजर अरकाना, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एक मेजर अरकाना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। सो इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है और एक न्यू साइकिल में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस टाइम पर आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो। आप खुद भी जा सकते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स। सो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी इस टाइम पर आप कोई एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। इस टाइम पर आप एक रिस्क लेने वाले हो और ये लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। सो यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, और यहाँ पर एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। सो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपका कोई एक काम बिगड़ने वाला है, यानी इस टाइम पर किसी एक चीज़ को लेकर आप अनसेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो। आप लाइफ के फ्लो में थोड़े से टाइम के लिए रुकते हुए दिख रहे हो, किसी एक काम को लेकर, किसी एक रिजल्ट को लेकर, किसी एक चीज़ का आउटकम को लेकर। शायद आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे, पर वहाँ से आपको थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकता है इस टाइम पर। और यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, रात में ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस कर सकते हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, या फिर वो काम करने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। ये चीज़ आपको पहले से ही पता था, पर फिर भी शायद आपने उस काम को किया था, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो इस चीज़ का ही आप यहाँ पर गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वोरी होते हुए दिख रहे हो किसी एक बात को लेकर। तो ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस टाइम पर। यहाँ पर कंक्लूशन में है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ से मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप किसी एक चीज़ के लिए इंतज़ार करने वाले हो। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो और आपके पास आपका इंतज़ार का फल सक्सेसफुली आता हुआ भी दिख रहा है मुझे, और आप ये चाबी देख पा रहे हो और ये लॉक देख पा रहे हो। सो इस टाइम पर भले ही आपका टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है, पर आने वाले टाइम में यानी अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव चीजें ले आने वाला है, ओके। सो जो भी काम इस टाइम पर आपका बन नहीं रहा है, वो सभी काम आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखेगा आपको। और मार्च मंथ के 10 से 20 तारीख के बीच में देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है द स्टार, आपका कोई एक विश अचानक से फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपको। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो इस चीज़ को लेकर, आपको ये चीज़ एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा, यानी आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका ये विश पूरा हो सकता है। वो किसी भी साइड से हो सकता है, आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेजर अरकाना है
दिस इज ऑल्सो मेजर अरकाना, सो इसके लिए आ गया है द फूल। जो भी विश इस टाइम पर आपके लाइफ में पूरा होगा उसके थ्रू आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप कोई एक चीज़ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने मन के मुताबिक ही चलते हुए दिख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो चलते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप फ्लो जिस तरफ जाएगा उसी तरफ अपने डिसीशन को, अपने एक्शंस को घुमाते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर कंक्लूशन में है 10 of Wands, सो डेफिनेटली यहाँ पर 10 नंबर आया है। कुछ न्यू बिगिनिंग ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में इस टाइम से ही स्टार्ट होता हुआ आपको दिखेगा। शायद समझने में थोड़ा सा लेट हो पर न्यू बिगिनिंग यहाँ से ही स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और कुछ चीज़ें आप इस टाइम पर लेट गो करते हुए दिख रहे हो, भुलाते हुए दिख रहे हो, आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर आप भूलते हुए दिख रहे हो, सिचुएशंस को भूलते हुए दिख रहे हो, और वहाँ से ही कुछ न्यू मेमोरीज़ को लेने के लिए, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आप एकदम से चल पड़े हो। आप एकदम से पीछे नहीं घूमकर देखने वाले हो कि आपके लाइफ में पहले क्या हुआ था या फिर क्या कुछ आपने फेस किया था पास्ट में। सो यहाँ पर है द एम्परर। किसी भी चीज़ के लिए शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई एक सच के लिए, कोई एक क्लैरिफिकेशन के लिए, कुछ क्लियरेंस के लिए, तो इस टाइम पर आपके पास वो भी आती हुई दिख रही हैं। और चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 20 से 31 के बीच में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। इस टाइम पर आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस टाइम पर आपके सारे कर्मों का फल, आपके सारे मेहनत का फल, एफर्ट्स का फल, इंतजार का फल मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर। इसके साथ ही आपके कंधों पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर एक लीडर की तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हो। आपका पर्सनालिटी इस टाइम पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होने वाला है। ओके, सो इस टाइम पर आप खुद को एक किंग या फिर एक क्वीन से भी ऊपर का किंग या फिर एक क्वीन समझने वाले हो। आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और उसके साथ ही आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन की एनर्जी है। पर आप कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से भी खुद को फुलफिलनेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में यहाँ पर एक फुलफिलमेंट रहेगा। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक अबंडेंस की बात करता है। अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आपके करियर के साइड से यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति मुझे दिख रही है आपके लिए। और कंक्लूशन में आप देख सकते हो सेलिब्रेशन है, 3 of Cups है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने फैमिली के साथ हो सकता है, अपने पर्सन के साथ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस टाइम पर आपके घर में कुछ पूजा पाठ भी हो सकता है, कुछ पार्टी आप थ्रो कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट, कुछ इवेंट्स वगैरह आपके घर में होती हुई दिख रही हैं आपकी वजह से। यानी आप यहाँ पर हाइलाइटेड होते हुए दिख रहे हो। और चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। तो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच का क्लैरिफिकेशन। सो यहाँ पर है 7 of Pentacles। डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो अपने करियर के साइड से। और चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर का क्लैरिफिकेशन। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका गोल लव लाइफ के साइड से भी आप सेट कर सकते हो, अपने करियर के साइड से भी आप सेट कर सकते हो। तो इस टाइम पर आपके और आपके गोल के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हुई दिख रही हैं, पर उन सारी चीज़ों को आप एकदम से ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। उन सारे ब्लॉकेजेस को, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप हटाते हुए दिख रहे हो। आपके लिए वो सारी चीज़ें नेग्लिजिबल हो जाएगा, आपके कोशिश के आगे, आपके एफर्ट्स के आगे वो सारी चीज़ें एकदम से फीका पड़ जाएगा। और जिसके वजह से यहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और मार्च मंथ के 20 से 31 तारीख के बीच का क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 4 of Pentacles। तो इस टाइम पर ये कार्ड बता रहा है आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो,
यहाँ पर इतने सारे जो अच्छे चीज़ें आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग एक पर्सनालिटी शो करते हुए दिख रहे हो, जिसके थ्रू ही यहाँ पर आपका कर्मों का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आपके डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें हैं, पैसा है, पावर है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, प्लेजर है, तो इन सारी चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो। सो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ में ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर है कम्युनिटी। सो ये कार्ड बताता है कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी फल आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुद को आप ब्लेम मत कीजिए इस टाइम पर, आप अगर खुद के साथ छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये कार्ड आपको यही बताना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप खुद को दोष मत दीजिए, खुद को गिल्ट मत फील करवाइए। अगर आप ये सारे चीज़ें करोगे तो आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, आपका विश कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पर आप डेफिनेटली खुद को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, खुद के मन को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, जिसके थ्रू ही यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इस मंथ के एंड में, यानी 20 से 31 के बीच में। ओके, सो आपका मार्च मंथ ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ दिस मंथ आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप जो जो चाहते हो। ओके, सो बाय।